बहुत से लोगों ने ये प्रॉब्लम फेस किया होगा कि जब कभी उसका मोबाइल गुम हो जाता है और कोई उस मोबाइल को पा जाता है, उसके बावजूद भी पाने वाले इंसान के पास चाह के भी नंबर नहीं होने के कारण वो दे नहीं पाता। तो इस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और यदि आपका मोबाइल गुम हो गया तो सामने वालों को अपना नंबर या कॉन्टैक्ट नंबर आप कैसे शो करा सकते हैं अपने मोबाइल के माध्यम से, ये आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो हेलो गाइस, मैं हूँ आकाश और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। चैनल पहली बार अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, जो भी कंपनी का आप मोबाइल यूज़ करते होंगे आपको जाना है सेटिंग पे। तो यहाँ से मैं सेटिंग ओपन कर लेता हूँ। अब जैसे हम सेटिंग ओपन कर लेंगे, यहाँ पे सेटिंग पे सभी के मोबाइल पे सेटिंग में यहाँ पे सर्च बार ऊपर में शो होता है, यहाँ पे आपको टाइप करना होगा क्लॉक फॉर्मेट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉक स्क्रीन क्लॉक फॉर्मेट, यही आपको टाइप करना है। यहाँ से इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। अब जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे लॉक स्क्रीन आ जाएगा। अब यहाँ पे उस ऊपर हम स्क्रॉल करते जाते हैं, तो यहाँ पे आपको जाना है लॉक स्क्रीन क्लॉक फॉर्मेट पे, इस पर हम चले जाते हैं। अब यहाँ पे बहुत से मोबाइल पे ये प्रॉब्लम आती है कि हम जैसे इस पर जाते हैं तो ये जो ऑप्शंस आ रहे हैं ये सारे नहीं शो होते। यदि इस तरह का फॉर्मेट यदि आपके मोबाइल पे नहीं शो हो रहा, आपको करना क्या है, सिंपली आप अपने मोबाइल के जो गैलरी से लगाए हुए अपना मनपसंद जो लॉक स्क्रीन है उसको हटा दीजिए, और जो मोबाइल की कंपनी से आता है या मोबाइल में ही जो सेव रहता है ऑलरेडी लॉक स्क्रीन, उसको आपको सेव कर देना है यहाँ पे, तभी ये जो ऑप्शंस हैं वो शो होगा। अब उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको लॉक स्क्रीन लेआउट दिख जाएगा बहुत सारे, आपको इससे मतलब नहीं होना चाहिए। आपको सिंपली क्या करना है, लॉक स्क्रीन ऑनर इन्फो पे जाना है। हम इस पर जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको कुछ लिखने को आ जाएगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैं अपना नाम लिख लूँगा। तो यहाँ पे अपना नाम आप लिख सकते हैं, और साथ में जैसे आपका मोबाइल गुम हो गया तो उसके लिए आप अपना मोबाइल नंबर भी यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अपना मोबाइल नंबर भी टाइप कर दूँगा। यहाँ पे मैं आपको दिखाने के लिए अपना कोई सा भी ऐसी नंबर टाइप कर दिया हूँ, और यहाँ पे अपना नाम भी लिख सकते हैं, यहाँ पे अपना नाम भी मैंने लिख दिया। उसके बाद इतना हो जाने के बाद आपको करना क्या है, शो सिग्नेचर ऑन द लॉक स्क्रीन लिखा है, यहाँ पे इस ऑप्शन को ऑन कर देना है, और उसके बाद सिंपली आपको ओके पे प्रेस कर देना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे मेरा नाम आ गया, और यहाँ पे जो मैंने नंबर टाइप किया हुआ है ये नंबर आ गया। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर भी टाइप कर सकते हैं आप। उसके बाद सिंपली यहाँ पे मैं होम पे जाता हूँ, और चलिए मैं दिखाता हूँ अपना लॉक स्क्रीन में क्या शो हो रहा है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं मेरा मोबाइल अभी लॉक है, देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से, और यहाँ पे शो हो रहा है मेरा नाम और नंबर। यहाँ पे आप मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, यदि किसी को भी आपका मोबाइल मिल जाए कभी भी तो आपका नाम भी दे सकता है और साथ में आपका मोबाइल नंबर भी दे सकता है। उसके बाद वो चाहे तो कॉन्टैक्ट कर सकता है, अगर नहीं चाहे तो वो तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन यदि कोई चाहे तो आपका मोबाइल नंबर देख के आपको कॉन्टैक्ट करके अपना मोबाइल दे सकता है। तो आई होप दोस्तों छोटा सा वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि चैनल पहली बार आए तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।